कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी डिग्री एन हो, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। हाँ जी, इस फंक्शन को बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसी फंक्शन को बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। पॉलिनोमियल फंक्शन यही होता है, इसको मैं एक नंबर दे देता हूं। तो सर इसको अगर पॉलिनोमियल दे दिया है तो मैं और क्या बोलूंगा? अगर आपने इसको पॉलिनोमियल दे दिया है तो इनकी कोई खासियत तो होगी ना? बिल्कुल खासियत होगी, बहुत ठीक ठाक लेवल की खासियत होगी। अब आप पूछोगे सर ये पॉलिनोमियल कितनी पावर का है, कितनी डिग्री का है? तो मैं दूसरा पॉइंट देता हूं कि इट इज पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। भाई ध्यान से देखिएगा, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? सर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। बेसिक बेसिक बातें सारी क्लियर होगी, है ना? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की होती है, अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक 3 डिग्री की होती है, बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वो 4 डिग्री की होती है। इसी तरीके से ये n डिग्री का है तो इसको n डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाता है। सर ये क्वाड्रेटिक और ये कहाँ से आता है? ये पॉलिनोमियल से ही आता है। जो भी आपके डाउट है ना, चलने दीजिएगा, सारे डाउट क्लियर करता रहूंगा मैं बातों में। हाँ, पॉलिनोमियल क्यूबिक और आपकी बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के ही पार्ट है। दैट्स क्लियर, ओके। हाँ जी, इसकी नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो है ना a n माइनस वन ए एन माइनस टू जो आप ये लिख रहे हो ना अक्ष के आगे, ये क्या चीज है? तो बच्चे इस चीज को बोला जाता है कोफिशियंट। कि सर ये आपने ए एन लिखा है, ए एन माइनस वन लिखा है, ए एन माइनस टू लिखा है, ऐसे ही आपने लास्ट में ए टू ए वन ए जीरो ये लिखा है, ये क्या है? भाई ये कोफिशियंट है, सर ये कोफिशियंट होता है क्या? रियल होता है या इमेजिनरी होता है? अगर जिन बच्चों का है ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, उनको पता नहीं है कि इमेजिनरी क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है और रियल वास्तविक संख्या बोलते हैं जिसको। बेटा ये रियल नंबर होते हैं, इसलिए इसको रियल कोफिशियंट भी बोला जाता है। दुनिया वाले इसको रियल फंक्शन, रियल पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। तो मैं इसको अलग तरीके से यहां दिखा देता हूं कि रियल पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा इसको बोला जाता है। सर ये जो कोफिशियंट होता है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। कैसे? हम धीरे धीरे ना, पहले तो सर वो वेरिएबल और वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई है कौन टाइम जिसको पॉलिनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है या रियल पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत थोड़े ना आपकी यहां तक? तो सर ये ना आपने पॉलिनोमियल इनका कुछ नामकरण का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? मैं एक बात बोलूंगा आपको जो उम्र भर याद रखनी है, जितनी भी पावर का पॉलिनोमियल हो या एन डिग्री का है पॉलिनोमियल है, उस जितनी भी पावर का जो कोफिशियंट है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको लीडिंग कोफिशियंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? लीडिंग कोफिशियंट। सर ये लीडिंग कोफिशियंट क्या होता है? जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो इस पॉलिनोमियल को जो ये इसका ए एन है ना, ए एन
वो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। हाँ, जितनी भी डिग्री का कोफिशिएंट होता है सर, ये कोफिशिएंट की डिग्री थोड़े ना होता। अरे नहीं, डिग्री होती है वेरिएबल की, डिग्री होती है वेरिएबल की। जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। जितनी बड़ी पावर का, अब ये nth पावर का है तो इसका जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट है ए एन, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ जी, तो सर लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला है लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होता, तो सर ये क्यों जीरो नहीं होता है? जो आपके कमेंट चल रहे हैं ना, है ना, मैं एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बच्चे, क्योंकि इतने सारे बच्चे जुड़े हैं। मैं कमेंट देखूंगा, सबका देख रहा हूँ कमेंट, इससे नहीं है कि कमेंट नहीं देखा जा रहा है। हाँ, आपके सारे कमेंट को क्लियर किया जाएगा, लेकिन पर्सनल किसी का नाम लेके नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेम है, तो मैं कितनों का नाम लूंगा, इतनी बड़ी हमारी क्लास नहीं है। तो बेटा ये जो लीडिंग कोफिशियंट है ये किसको बोलते हैं, और ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? ये जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए बेटा कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा, आप यहाँ इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा साथ मिलके, तो ये तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल रहा, फिर एक्स की पावर एन डिग्री का कहाँ रहा? हाँ सर, ये आप है ना बहुत अच्छी बात समझा रहे हो कि पोलोनोमी लीडिंग कोफिशिएंट जिस दिन जीरो हो जाएगा वो उतनी पावर का पोलोनोमियल बचेगा ही नहीं फिर। समझ में आ रहा है ना बात को? हाँ, बात समझ में आ रही है। तो ये चार पॉइंट जो हमने लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट को ही लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, ये लो, अब क्लियर है? हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। हाँ जी, समझ में आना चाहिए है, इसलिए आप यश टाइप करते रहिएगा। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि समझ में आ रहा है तो यश टाइप कीजिएगा। लीडिंग कोफिशिएंट की हम बात कर चुके हैं, लीडिंग कोफिशिएंट होता क्या है? ये an माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 डॉट, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये क्या होता है? ये कोफिशिएंट होता है जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या रियल पॉलिनोमियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। अब नोट कीजिएगा कुछ बातें, मैं आपको नोट डलवा रहा हूँ। हाँ, साथ साथ ही कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं बचेगा फिर हमारे पास। हाँ, क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे मैंने बताया है इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, है ना? ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो पॉलिनोमियल है उसकी कोई खासियत है क्या, है ना? आप पॉलिनोमियल के बारे में एक कहानी सुन सकते हो। किसान फ्रेंड्स होता है एक, एक ऐसा जिसको केचुआ बोला जाता है, खेतों में रहता है, फार्मर लवर बोला जाता है उसको, फार्मर फ्रेंड लवर, क्योंकि वो मिट्टी में रहता है और उसका काम होता है मिट्टी में होल करना। हाँ, जिसे वहाँ जैसे कोई पेड़ पौधे हो
तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचे और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो जब वो अपना काम करता रहता है तो किसान की कटाई वगैरह हो जाती है तो वो खेत की कटाई करता है। फिर तो जो फावड़ा लेके वो काम करता है उससे अगर वो खेत को काटता है तो बीच में पता चल जाता, किसान को पता थोड़े ना चलता कि यहाँ केंचुआ है, तो वो चलाता है और केंचुआ कट जाता है। लेकिन केंचुए को भगवान ने एक गिफ्ट दिया है कि तेरे जितने टुकड़े होंगे ना तो उतना ही काम करेगा। मतलब अगर केंचुए के दो टुकड़े हो गए तो दोनों काम करेंगे। इसी तरीके से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन है कि इसके जितने टुकड़े होंगे ना वो काम करेगा। कैसे सर? कैसे काम करेगा? अभी देखना, जैसे जैसे जहां से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन कटी वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, ये केचवे की तरह काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0। सुनना भाई ध्यान से, है ना? जिस दिन ये यहां से कटी उस दिन ये a0 भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। जिस दिन ये यहां से कटी, अच्छा आप बोलोगे सर इसको बोलते क्या है, वो बात कर लेंगे, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। अच्छा ये यहां से कटी तो भी ये काम करेगा, यहां से कटी तो भी ये काम करेगा, जहां से कटी यहां से कटी तो भी ये काम करेगा। ध्यान से देखो, यहां से कट के ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। दिखा देता हूं मैं आपको सर, ये A1, A2, A0 ये ना ये अच्छे नहीं लगते हैं, तो दुनिया वाले इसको बस इतना लिख लेते हैं कि A1 अक्स स्क्वायर प्लस A1 की जगह लिख लेते हैं, B अक्स प्लस A0 के लिख लेते हैं C। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बात करेंगे आगे। हाँ इसके जितने पार्ट होंगे ना वो जीवित रहेंगे, इसको क्यूबिक फंक्शन बोला जाता है। तो ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इक्वेशंस होती है, जितनी भी डिग्री की इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल फंक्शन से ही आती है, पोलोनोमियल इक्वेशन से ही आती है। अगर इसको इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो ये पोलोनोमियल इक्वेशन हो गई है। अगर इसको कोई फंक्शन के रूप में लिख दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के रूप में हो गया है। हाँ जी, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन अलग अलग होता है क्या? नहीं, चीज एक ही होती है, एक जीरो देता है एक रूट देता है, वो भी हम बात करेंगे। एक जीरोस देता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जीरोस देता है आपका और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रूट देते हैं। तो और छोटी छोटी बातों में आप कौन सी बात ऐड करोगे? मैं वही बात करूंगा जो मैंने बोला था कि केचवे की तरह काम करता है। जिस दिन हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0। तो सर ये a0 क्या है? a0 एक ऐसा फंक्शन है जिसको कॉन्स्टेंट फंक्शन बोला जाता है। हाँ आप अक्स कितना ही चेंज करो, हाँ ए चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एफ ऑफ अक्स इक्वल टू 5 है तो वह अक्स को आप कितना ही चेंज करो 5 चेंज नहीं होने वाला है। कैसे सर? अगर मैं अक्स एफ ऑफ अक्स को 1 रख दूं तो भी 5 रहेगा? हाँ बिल्कुल 5 रहेगा। अगर मैं एफ ऑफ अक्स को 0 रख दूं सर तो भी 5 रहेगा। अरे तुम क्या एफ ऑफ एक्स को 20 25 रख दो तो भी ये 5 ही रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। ओह सर कांस्टेंट फंक्शन ये है,
जिसमें वेरिएबल चेंज करने की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अरे फंक्शन में वेरिएबल चेंज किया आपने, फंक्शन में जो अक्स को वेरी करवाया है, जब अक्स को वेरी करवाया जा रहा है तो वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है। हाँ सर, इसको एक एग्जांपल की तरफ, अरे एग्जांपल क्या, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपने 5 लिखा है, तो ये लाइन हो गई है, ये एक्स 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 है, ये वाई है, और बात कर लेते हैं तो ये आपका वाई बराबर 5 है। अब आप अक्स की कितनी भी वैल्यू चेंज कीजिएगा, आप अक्स 0 रखोगे तो भी ये 5 रहेगा, अक्स 1 रखोगे तो भी ये 5 रहेगा, अक्स अब कुछ भी रखिएगा, कुछ भी चेंज कीजिएगा, ये इतना ही रहेगा। अगर आप नेगेटिव चेंज कीजिएगा, हाँ तो सर ये जो लाइन होती है ये कॉन्स्टेंट बिल्कुल होती है कॉन्स्टेंट, है ना। छोटी छोटी बातें जो डीप लेवल की बातें की जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसका बेस बनाया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बेस आपको आना चाहिए। तो सर और क्या बात बताना चाह रहे हो आप, है ना। और बात अभी करेंगे हम, जस्ट अभी करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर की बात करते हैं। अगर हम एफ ओ अक्स को यहां से काटते हैं तो हमारे पास बनेगा ए वन अक्स प्लस ए जीरो। हाँ सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए अक्स प्लस बी, मैंने कॉन्स्टेंट ये चेंज किया है, कॉन्स्टेंट है, चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉन्स्टेंट ही तो चेंज होते हैं, वेरिएबल तो चेंज ही नहीं होते हैं। तो सर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोला जाता है इसको, लीनियर फंक्शन। अच्छा तीसरे नंबर की बात, अगर ये फंक्शन यहाँ से कट जाए तो ए टू अक्स स्क्वायर प्लस ए वन अक्स प्लस ए जीरो, दुनिया वाले स्क्वायर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से बनती है सारी चीजें। ये हो जाएगा ए अक्स क्यूब प्लस बी अक्स स्क्वायर प्लस सी अक्स प्लस डी, ये हो जाएगा क्यूबिक। और पांच नंबर की बात करते हैं, ए अक्स की पावर 4 प्लस बी अक्स क्यूब प्लस सी अक्स स्क्वायर प्लस डी अक्स प्लस ई, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला जाएगा इसको, ऐसे ही क्वांटिटी हो जाएगी, ऐसे ही होता रहेगा। तो सर इन ये जो सारी इक्वेशन आई है पॉलिनोमियल फंक्शन से आई है, बिल्कुल ये सारी इक्वेशन कहाँ से आई है, पॉलिनोमियल फंक्शन से आई है।